दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे देख सकते हो पतिदेव हमारे सर में तेल लगा के सर दबा रहे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ मेरा सर दर्द कर रहा था, तो हमने कहा चलो मेरा थोड़ा सा सर दबा दो। तो बोले ठीक है तेल दो, मैं तुम्हारे सर में चंपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे बातें भी कर रहे थे, दीदी और जीजा जी बैठे थे। तो गाइस आगे ध्यान से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे सबके सब लोग अपने अपने पास्ट के बारे में बता रहे थे, किसके पास कितने जीएफ थे, किसके पास क्या, सब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ सब लोग अपना शेयर कर रहे हैं। सबका जो सबका स्टोरी इसमें आया। तो यहाँ पे देखिए सबका स्टोरी, शादी के पहले क्या था बता रहे हैं इन्हें। आप बताओ अपना बताओ। मेरा कोई नहीं था, हम कॉलेज जाते नहीं थे। कोई नहीं का बहुत होता है। हाँ बस लोग हाँ बस भाव नहीं देते होंगे, वो बात अलग है। लड़कियाँ नहीं देते होंगे या फिर आपने सब करने में डर लगता है कि कहीं कोई लड़की दो थप्पड़ दे ना दे। 20 किलोमीटर कहीं कुछ बात हो गया तो क्या होगा। सही अपना रास्ता अलग देखो। अब कॉलेज फॉर्म भरना हो जमा करना हो। जीजा के तो एक गर्लफ्रेंड है मैडम रही ना जीजा। अच्छा तुम बताए नया अरे मान लो ऐसे देख लेंगी तो बोलेंगी। अरे उनकी बहुत सारी मैडम थी, हमको दिखाए थे, उनका घर भी देखे थे। एक तो मुस्लिम करके लड़की थी उसका। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग अपना अपना स्टोरी बता रहे हैं, लव स्टोरी। ये अपना बता रहे, जीजा अपना बता रहे हैं, ये अपना बता रही है। कॉलेज में कोई नहीं था। A few moments later. तो गाइस हम भी फ्रेश होके आ गए हैं, गए थे नहाने, नहा के आ गए हैं। और दीदी अब गई है नहाने। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है आज किचन में बना रही हूँ फ्राई राइस। तो बच्चों का डिमांड था मौसी फ्राई राइस बनाओ, तो हमने कहा चलो आज हम बना देते हैं। दीदी से मैंने बोला कि आज मेरे हाथ का खाओ, मतलब फ्राई राइस आज मेरे हाथ का खाओ। सुना है मैंने, मैं अच्छा बनाती हूँ। तो कह रही चलो ठीक है, तो मैंने बना दिया। थोड़ा सा ये गलती हो गया गाइस, चावल जो है ना आप देख सकते हो चावल एक एक अलग अलग नहीं है, क्योंकि चावल थोड़ा सा गीला हो गया है। तो जब थोड़ा सा गीला हो जाता है ना तो अच्छा नहीं बन पाता है। तो पहले से मेरा चेहरा पता नहीं कैसा सूजा सूजा लग रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और मेरा तबीयत और नहीं सही है, मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों कल से लूज मोशन हो रहा है। तो पता नहीं ठंड लग गया या कुछ खाने पीने से ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब बच्चे लोग को निकाल के दे देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस यहाँ पे देखिए पति देव जो है मैंने निकाल दिया है और ये लेके जा रहे हैं। जीजा खा लीजिए फ्राइड राइस। अनमोल भी खाने जा रहा है, जीजा भी, हम लोग टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का चाय नाश्ता हो गया है और अभी दोपहर का टाइम है। देख सकते हो घड़ी में 12:30 बज रहे हैं। तो पूजा वूजा करके खाना पीना बन गया है। अब बस खाना पीना दीदी बनाई, नाश्ता सुबह मैंने बनाया था पोहा, जो कि वो पति देव के ब्लॉग में आएगा नहीं तो मेरे ब्लॉग में आएगा, आप लोग देखिएगा। और अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, गला वाला बैठ गया है, सही नहीं हो रहा है। पता नहीं जुकाम की वजह से कि ठंडा पानी की वजह से, ठंडा पानी नहीं पीते हैं तब पर भी मेरा वही हाल है। यहाँ पे देखो परी भी नहा ली। परी बाल कैसे झड़ी हो, सही कर लो बाल, देखो बाल बिगड़ गया है, अब अच्छी लग रही है। कंघी कर लो, कंघी जाके वह कंघी है पीछे कर लेना। यहाँ पे अनमोल सोया हुआ है। तो गाइस ये बड़ा वाली दीदी का लड़का है और जीजा जी इधर देखे लेटे हुए हैं अभी तक, मतलब थोड़ा सुबह उठ गए थे पति देव और ये जीजा जी, दोनों लोग साथ में गए थे मॉर्निंग वॉक करने, कहीं मैच हो रहा था तो मैच खेलने गए थे। तो 5 बजे ही उठ गए थे, फिर उठने के बाद वो लोग चले गए, बिना बताए चले गए। वही हम पति देव को डांट रहे थे कि नहीं बिना बताए कहीं मत जाया करो, किसी को कुछ नहीं पता है, सब सोए हैं बेखबर। और वो उठ के, वो जीजा जी दोनों जन उठ के चले गए। तो हमने उनको बोला हमका एक बार बता दिया करो, वरना कोई भी आएगा गेट खुला है कुछ पता नहीं चलेगा ना, ये अच्छी बात नहीं है, बता के जाया करो। तो वो बोले चलो ठीक है अब कल जाएंगे तो बता के जाएंगे। और दीदी उधर अपना खाना पीना बना ली है। तो अभी तो पति देव का बहुत ज़्यादा हैवी डाइट चल रही है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, खाना बिल्कुल भी कम कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है जो भी सैलेड वगैरह फ्रूट्स खा रहे हैं। तो अच्छा है दीदी खाना बन गया। तेल कैसा रखा हुआ है? वो रिफाइन है, वो उसमें डाल लेते ना, हाँ उसमें डाल लेते ज़्यादा हो गया था।
तो मैं सुबह बना रही थी चूड़ा मटर बना रही थी, तो तेल ज़्यादा हो गया था रिफाइन कढ़ाई में, तो कटोरी में अलग से निकाल दिए थे, तो वही पूछ रही हैं। और गाइस, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे राम जी 500 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या अपने लौट चुके हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कल का जो ब्लॉग था और आज का जो ब्लॉग है, सब मैं इसी ब्लॉग में ऐड करके सब डाल दूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और पहले से जैसे लग रहा है कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मोटी नहीं हुई हूँ, थोड़ा होता है ना, थोड़ा कमजोरी से बॉडी फूलता है, तो वही हाल है। यहाँ पे अनमोल देखिए लेटा हुआ है। अनमोल, अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? हाँ। अच्छा लग रहा है। परी, तुम्हें तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? और फुग्गी सो गई क्या? हाँ। कहाँ सोई है? अच्छा, पीछे सोई है, जीजा जी के पीछे सोई है, दिख नहीं रही है। और हमारी लाडू भी सोई है, तो ये लोग मूवी लगा के देख रहे थे टाइटैनिक, फिर उसके बाद अब कार्टून लगा के देख रहे हैं। जाने का मन है अनमोल? नहीं ना, पर जाना पड़ेगा, पेपर है और इनका भी पेपर है, फरवरी में पेपर हो चुका है। वो तो हफेडली हुआ है ना, फाइनली तो अभी बाकी है, तो अभी इनका भी बाकी है पेपर। और मतलब हफेडली जो पेपर होता है वो तो दिसंबर या नवंबर में ही हो जाता है, तो अभी इन लोग का बाकी है पेपर, लास्ट जो पेपर फाइनल होता है फाइनल ईयर का, तो होगा। और पति देव गए हैं अभी दवाई लेने, उनका दवाई ख़त्म हो गया था, मैंने जैसे कि बताया तो उनकी स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दाने वगैरह हो रहे थे, तो उनका दवाई ख़त्म हो गया, तो वो गए लेने। और दवाई उनका वैसे भी जब वो एक दिन भी अगर दवाई वो मतलब मिस हो जाता है, नहीं खा पाते, नागा हो जाता है ना, तो एक दिन भी अगर हो जाता है, एक टाइम भी वो कर लेते हैं कि हाँ भूल जाते हैं, तो उनका फिर से जो स्किन में प्रॉब्लम है, दाने वगैरह फिर से निकल जाते हैं। तो दवाई ख़त्म हो गया था, तो हमने बोला कि सबसे पहले सब काम छोड़ के जाओ, पहले आप दवाई लोगे तभी तो तब सही रहेगा ना, नहीं तो फिर से कोई दिक्कत हो जाएगा तो क्या। तो चलिए, ऐसे बातें तो होती रहती है। और ब्लॉग भी हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि तबीयत नहीं सही रहता, गला नहीं सही रहता ना, तो मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे ये होता है कि जब मुझे मेरा आवाज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा, तो गला बैठ जाता है मेरा, पता नहीं क्यों। ठंड में मैं थोड़ा सा भी ठंडा पानी भी पी लूँगी तो वो भी गला बैठ जाता है मेरा। तो आज दिया हुआ जलाएंगे, शाम को साड़ी भी पहनेंगे, और साड़ी हमने निकाल के रखा है, आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कैसा है कैसा नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो जीजा उठ गए, उठ जाइए, खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। जीजा उठ गए और दिया हुआ जलाएंगे, साड़ी पहनेंगे, तो दिखाएंगे आपसे। तो चलिए, ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।